तो मेरा नमस्कार। आज मैं खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली पाव भाजी लेके आई हूँ। कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। ये सभी सब्जियाँ ली है मैंने, आपके पास जो भी अवेलेबल सब्जी हो वो काट लीजिए। अच्छे से धो के उसको कुकर में उबाल लेना है। थोड़ा सा नमक डाल के हम उसको उबाल लेंगे। आधा गिलास मैंने पानी डाल दिया है। कुकर का ढक्कन लगा के हम 2 या 3 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। 2 या 3 सीटी में ये अच्छे से पक के तैयार हो जाती है। ये देखिए हमारी 2 सीटी लग चुकी है। अब प्रेशर को हम अंदर ही रहने देंगे और उसका ढक्कन खोलेंगे। अब थोड़ी देर के बाद फिर हम एक मैशर लेंगे और सब्जियों को अच्छे से उस मैशर से मैश कर लेंगे। ये देखिए ये मैशर है हमारे पास। सब्जियाँ बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब ये तैयार हो चुकी है मैशर से भी। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। थोड़ा सा जीरा और राई लेंगे और तेल में डाल देंगे। तड़कने देंगे जीरे और राई को। फिर हम बारीक कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर है हमारे पास। प्याज मैंने डाल दी है पैन में। थोड़ा सा भून लेंगे उसको। फिर मैं 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। अच्छे से इनको भून लेना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से मैंने भून लिया है इन सबको। फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी काट के पैन में डाल दिया है। टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। देखिए इस तरीके से इनको पका लेना है। थोड़ी देर सॉफ्ट होने के बाद हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है मैंने। मसाले में हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, क्योंकि बॉयल करते टाइम मैंने सब्जी में नमक डाला था, तो नमक अपने हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। फिर मैंने पाव भाजी मसाला MDH का लिया है, जो 1 बड़ा चम्मच मैंने पैन में डाल दिया है। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और पका लेना है। फिर हमारी मैश की हुई सब्जियाँ हम कढ़ाई में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से हम सारी सब्जी को इस पैन में डाल के अच्छे से पका लेंगे। फिर मैशर से वापस उसको दोबारा मैश करेंगे। इस तरीके से हमारी पाव भाजी जो है एकदम घुटी हुई पाव भाजी तैयार हो जाएगी। फिर मैंने 1 चम्मच बटर डाल दिया है लास्ट में। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है पाव भाजी में। फिर बारीक कटे हुए हरे धनिया ले लिए हैं और सब्जी में मैंने डाल दिया है। अब ये खाने के लिए तैयार हो चुकी है। पाव को बटर के साथ मैंने सेक लिया है और उसको गरम गरम खाने के लिए सर्व करें।